राजधानी लखनऊ में युवाओं के मन की बात कार्यक्रम के दौरान जब युवाओं ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सवाल पूछा तो जवाब देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रो पड़े। कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने पूछा कि पुलवामा जैसी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की क्या रणनीति है। इस पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिस प्रकार बुझने से पहले दीपक तेजी से जलता है, कुछ ऐसा ही हाल इस समय आतंकवादियों का भी। एक बात तो मान करके आप चलें कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है यह उसी प्रकार से है जैसे कोई दीपक जब बुझता है तो तेजी के साथ जलता है। यह आतंकवाद अब अपने समापन की ओर है और इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो व्यापक मुहिम छेड़ी है उसमें यह एक उन लोगों के मन में जो द्वेष है उस भावना के साथ उस घटना वहां घटित हुई। लेकिन हम सबको इस बारे में देखना चाहिए कि हमारे 72 जवानों ने 48 घंटे के अंदर ही इसका मास्टरमाइंड जो था उन सभी आतंकवादियों को पुलवामा के अंदर ही मार गिराया। इसके अलावा मुझे अभी हो सकता है कि ये चीजें बहुत उम्र हो लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि कल ही रात्रि में एक ऑपरेशन हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया है और पुलवामा से जुड़े हुए कुछ ऐसे लिंक मिले थे जिसको लेकर के एक बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने यूपी में किया है रात्रि में। उसका मुझे लगता है अभी बहुत चीजें सामने नहीं आ पाई हैं ना, अभी हम लोग बहुत उसका रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि आतंकवाद का यह अंतिम वो चल रहा है और आतंकवाद को पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व में देश समाप्त करके रहे।